हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू मस्ट बी इन गुड हेल्थ एंड स्टडिंग वेल आल्सो। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स को कंटिन्यू करते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले समझा है, देर इज़ नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एंड दैट ऑफ ए सोल प्रॉपर्टरशिप। लेजर अकाउंट से लेकर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स, दोनों ही तरह के फॉर्म्स में एक ही तरह से बनती है। देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज अकाउंट्स। एक डिफरेंस है, जो पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाया जाता है, जिसे कि हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कहते हैं। ये अकाउंट सोल प्रोपरेटरशिप के केस में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि सोल प्रोपरेटरशिप के केस में जो इन्वेस्टर है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, वही ओनर है फर्म का, जो भी प्रॉफिट है वो उसी का ही है। पार्टनरशिप फर्म में बिकॉज देयर आर टू और मोर पार्टनर्स, जो भी प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उन पार्टनर्स के बीच में। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं P&L डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। एक और डिफरेंस है, सोल प्रॉपर्टरशिप के केस में हम एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सिर्फ से इंडिविजुअल इन्वेस्टर का, क्योंकि वही कंपनी का मालिक है, जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो उसी का ही है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल, इफ देयर आर थ्री पार्टनर्स, से ए, बी और सी, देन देयर विल बी थ्री कैपिटल अकाउंट्स, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। इन्हीं कैपिटल अकाउंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन ए पार्टनरशिप फर्म, कैपिटल अकाउंट्स मे बी मेंटेन्ड बाय टू मेथड्स। वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड अनदर इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकेंड इज फ्लक्चुएटिंग। इन दोनों में स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है, ये हम एक इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझेंगे, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी है। इस इलस्ट्रेशंस में हम पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, जो हम पहले भी बना चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, हम इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज एक तरह से रिविज़न भी हो जाएगा इसका। इसके साथ साथ हम कैपिटल अकाउंट्स भी बनाएंगे। इस इलस्ट्रेशन को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ अबाउट फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मींस कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन अनचेंज्ड और अनअल्टर्ड अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल इज विदड्रॉन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कैपिटल। इट मींस इफ नो फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और नो विड्रॉवल इज मेड, देन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल शो द सेम बैलेंसेज ईयर आफ्टर ईयर्स। अगर पार्टनर्स ने एग्जिस्टिंग कैपिटल में कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी या उस कैपिटल में से कुछ विड्रॉ नहीं किया है, तो सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट विल बी शोन एवरी ईयर, हर साल उसी को ही शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक पार्टनर 1 लाख रुपए से अपनी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करता है और 1 लाख रुपए में कुछ भी वो इंट्रोड्यूस नहीं करता है, ना ही वो 1 लाख रुपए में से कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, तो 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल अकाउंट में हर साल शो किया जाएगा। इन केस सेकंड ईयर में मान लीजिए वो 20,000 रुपीज़ और इंक्रीज कर देता है, तो सेकंड ईयर में 1,20,000 रुपीज़ उसकी कैपिटल अकाउंट शो होगी। केस अगर वो कैपिटल अकाउंट में से कुछ विड्रॉ करता है, मान लीजिए 20,000 विड्रॉ करता है, तो कैपिटल अकाउंट हम 80,000 से शो करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि अगर कैपिटल अकाउंट्स को हमने फिक्स रखा हुआ है, तो बाकी ट्रांजेक्शन्स को हम कहाँ दिखाएंगे? लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी टू ए पार्टनर या कमीशन टू ए पार्टनर, या जो प्रॉफिट अर्नड हुआ है उनको हम कहाँ दिखाएंगे? उसके लिए एक और अकाउंट बनाया जाता है अंडर दिस मेथड, अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर में हम अदर ट्रांजेक्शन्स को दिखाएंगे। इन सब बातों को हम समझेंगे इलस्ट्रेशंस के बीच में, हम इस इलस्ट्रेशन को करते हैं और इसके बीच में ही हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड्स में डिफरेंस क्या है इसको अच्छे से समझेंगे। तो इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है।
ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद कैपिटल ऑफ ₹30,000 and ₹20,000। स्टूडेंट्स ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2020 में विद द कैपिटल ऑफ ₹30,000 and ₹20,000। इसकी अगर मैं आपसे पूछूं जर्नल एंट्री क्या बनेगी, तो आप क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे जो हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ी? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी इन केस कैश से इंट्रोड्यूस किया है या बैंक से किया है। हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट? और कैपिटल अकाउंट्स को हम क्रेडिट कर देंगे, ए के कैपिटल अकाउंट और बी के कैपिटल अकाउंट को उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से? 30,000 and 20,000 एंड टोटल इज 50,000। तो यहाँ पे हम अभी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं बना रहे हैं, हम एज कैपिटल अकाउंट में हम और बीज कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। एज कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट 30,000 और बीज कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट 20,000। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड है इसका मतलब सारी इंस्ट्रक्शंस जो हमें दी हुई हैं उसको फॉलो किया जाएगा। बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹500 per month, बी को सैलरी मिलेगी ₹500 per month, इसका मतलब ईयर में कितनी हो गई? ₹6,000। तो ये हम जो सैलरी देंगे कहाँ किस में से देंगे? ये सैलरी हम प्रॉफिट अर्नड जो हुआ है टोटल कंपनी को उसमें से दिया जाएगा। तो इसका मतलब सैलरी दी है तो टू सैलरी अकाउंट, किसको सैलरी दी है हमने? बी को दी है। कितने दिए? ₹6,000। और आगे चलते हैं, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल एट 6% per annum। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो 6% दिया है 30,000 और 20,000 पे, इन दोनों की कैपिटल पे 6% के हिसाब से हम इंटरेस्ट देंगे, तो ये भी प्रॉफिट में से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको भी हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए को और बी को। ए को कितना दिया? 1800 और 1200, 3,000 rupees। और आगे चलते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। 5:3 का मतलब प्रॉफिट को 8 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें से 5 पार्ट्स तो होंगे ए के और 3 पार्ट्स होंगे बी के। ड्यूरिंग 2020 द फर्म अर्नड प्रॉफिट ₹2,25,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत अच्छा किया इसने, जो यहाँ पे क्लियर कर दिया है हमें बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी, मतलब बी की सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट 25,000 है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट 25,000 है। हमें ऐसा ही करना होता, हमें पहले का ही प्रॉफिट चाहिए। अगर वो देता कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब हमारे पास थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जाता। तो इस केस में हमें कुछ नहीं करना, हमें नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 25,000, हम यहाँ पर लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफ़र किया हमने? ट्रांसफ़र फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है पी एंड एल अकाउंट के बाद बनेगा, जिसमें जो प्रॉफिट आता है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे ये प्रॉफिट आया है 25,000। क्लियर है? और आगे चलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ ₹6,000 and B ₹10,000 फॉर डोमेस्टिक यूज। इट मीन्स जो ड्राइंग्स हैं ए की ₹6,000 and B की ₹10,000 ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स जो है ये कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है। एक चीज़ और बता दूँ स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स भी दो तरीके की होती हैं। एक ड्राइंग्स होती है जो पार्टनर अपने प्रॉफिट में से विड्रॉ करता है। यहाँ पे जो ये ड्राइंग्स लिखा है,
ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ ₹6,000, ये ₹6,000 उसने प्रॉफिट में से विड्रॉ किया है। अगर एक ड्राइंग होती है जो कैपिटल में से विड्रॉ की जाती है, उस केस में हम कैपिटल को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे कैपिटल में से विड्रॉ नहीं हुआ है, प्रॉफिट में से विड्रॉ हुआ है। दूसरे केस में वो लिखेगा कैपिटल इज विड्रॉन, ये यहाँ पे ये नहीं लिखा। यहाँ पे 99% केसेस में ऐसा ही होगा, ड्राइंग्स होगा जो प्रॉफिट में से विड्रॉ किया हुआ होगा। तो हमने ₹6,000 यहाँ पे डेबिट कर देंगे हम एक एक अकाउंट में, टू ड्राइंग्स अकाउंट 6,000 और बी के केस में ₹10,000। क्लियर है? और आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ए बीइंग ₹300 एंड बी ₹500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है। क्यों है? क्योंकि जो यहाँ ए ने अपनी विड्रॉ किया है फॉर डोमेस्टिक पर्पस, उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है ₹300 ए से और ₹500 बी से। तो फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए ये एक प्रॉफिट है। तो इसको हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, इस वाले प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए बी, ए है 300 एंड बी 500, 800। अब हमने सारी एंट्रीज को कर लिया है, अब हम इसका बैलेंसिंग निकालते हैं और अब देखते हैं कितना प्रॉफिट आ रहा है जो ए और बी के अंदर शेयर होगा। हम इसका टोटल कर लेते हैं 25,800। 25,800 से हम यहाँ भी बैलेंसिंग कर देंगे और इसमें से 9,000 आप माइनस करेंगे तो 16,800 हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। 16,800 को आपने 8 पार्ट्स में बांटना है, 5:3 की रेशियो है, 8 पार्ट्स में बांटा कितना आया 2100। 21 ए को मिलेगा 5 पार्ट्स और बी को मिलेगा 3 पार्ट। इट मीन्स 2 प्रॉफिट, ए 10,500 एंड बी 6,300 और टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 16,800। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? और आगे चले हम। अब हमने क्या करना है, जो हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ए और बी के कैपिटल अकाउंट्स को क्रेडिट या डेबिट किया है, उसको हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। सबसे पहले हम डेबिट साइड की एंट्रीज देख लेते हैं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जो हमने डेबिट किया है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी हमने बी के अकाउंट में करी है तो हम बी के अकाउंट में 6,000 से इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट बी का इंक्रीज़ हो जाएगा 20,000 से और इंक्रीज़ हो जाएगा 6,000 बाय, ये कहाँ से आया पैसा हमारे पास, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से सैलरी 6,000। और आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 1,800 एंड बी 1,200 बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800 और बी का केस में कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, देन प्रॉफिट। प्रॉफिट को भी हमने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। ए का केस में है प्रॉफिट 10,500 और बी के केस में है 6,300। ठीक है, अब देख लेते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिख रहा है हमें ए और बी को, तो हमें ये इंटरेस्ट जो है इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ये इनके कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करेगा एक तरह से। तो टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 300 ऑन ड्राइंग्स, आपको फुल फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स, ₹300। और यहाँ पर भी आ जाएगा टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट
interest on drawings? 500. अब हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री हो चुकी है, अब हमने इनको सिंपली बैलेंसिंग करना है. बैलेंसिंग कर लेते हैं. यहाँ पे आ रहा है 42,300. सेम अमाउंट हियर 42,300. और अगर हम इसमें से ये माइनस कर देते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 36,000. इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी. इसी तरह हम यहाँ पे भी बैलेंसिंग कर लेते हैं. आप इनका टोटल करेंगे तो आएगा 33,500. यहाँ पे भी लिख लीजिए 33,500. इसी तरह बैलेंस सीडी 33,500 में से 10,500 माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 23,000. अब स्टूडेंट्स हमारी ये इलस्ट्रेशन पूरी हो चुकी है. अब हमने गौर करना है कैपिटल अकाउंट के ऊपर जो हमारा मेन टॉपिक है इस समय. यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट जो ओपनिंग बैलेंस था वो 30,000 था और अब जो क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का आया वो 36,000 आया. इस मेथड को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. जो हमने अभी यहाँ मेथड अडॉप्ट किया है इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ए. और इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑफ बी. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बी. क्यों इसका नाम फ्लक्चुएटिंग है? क्योंकि आप देख रहे हो जो हमारे पास ओपनिंग में कैपिटल थी वो ईयर एंड होते होते हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट हो गई है. इस केस में हमारे पास इंक्रीज हो गई है. क्यों इंक्रीज हो गई है? क्योंकि जो ओपनिंग कैपिटल है इसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऐड किया है और प्रॉफिट को ऐड किया है. और हमने क्या माइनस किया उसमें से? ड्राइंग्स को माइनस किया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को माइनस किया है. तो जो डिफरेंस आया है वो इंक्रीज हुआ है. इसी तरह बी का भी फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में आप देखोगे हमने ओपनिंग कैपिटल के अंदर सैलरी को ऐड कर दिया, उसने जो अर्न किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको ऐड कर दिया, प्रॉफिट अर्न कर दिया. और क्या माइनस किया उसमें से? हमने ड्राइंग्स को माइनस किया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कंपनी ने चार्ज किया उसको माइनस किया है. अब हम आते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के ऊपर. स्टूडेंट्स अगर आपकी इलस्ट्रेशंस में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि किस मेथड को अडॉप्ट करना है तब आप हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को ही अडॉप्ट करिए क्योंकि ये सिंपलेस्ट मेथड है. लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली लिख दिया है कि कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड बेसिस तब आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं बनानी है, फिक्स्ड कैपिटल बनानी है. अब उसमें क्या फ़र्क है ये मैं आपको बता देता हूँ. इसी में ही हमारा P&L अप्रोप्रिएशंस अकाउंट सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है. तो इसको मैं अभी रब कर सकता हूँ. इसकी सारी ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं कैपिटल अकाउंट में. वेलकम बैक स्टूडेंट्स. अब हम चलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की तरफ. यहाँ पे मैंने ए और बी के कैपिटल अकाउंट को बनाया है. ए और बी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2020 में विद कैपिटल ऑफ 30,000 and 20,000. तो आपने ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है कौन से ईयर में? 2020 अप्रैल फर्स्ट बाय बैंक अकाउंट. क्लियर है? 30,000. और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है बाय बैंक अकाउंट 20,000. ड्यूरिंग द ईयर कोई इसमें ना तो एडिशन है ना ही विड्रॉवल है. तो ईयर एंड में भी जो ए की कैपिटल है वो कितनी है? टू बैलेंस सीडी 30,000. यही 30,000 अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में ये आ जाएगी बाय बैलेंस बीडी 30,000. एवरी ईयर यही शो होता रहेगा अनलेस देर इज एन एडिशन इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल. इसी तरह बी का जो
क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का वो भी वही रहेगा, टू बैलेंस सीडी 20,000। और नेक्स्ट ईयर ये बन जाएगा बाय बैलेंस बीडी 20,000। ठीक है, अब आते हैं हम अदर ट्रांजैक्शंस की तरफ। जो हमने यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में बनाया है, इसमें हम अगर हम सिर्फ से ये हटा दें, बैंक अकाउंट कैपिटल को हटा दें, तो ऑल अदर ट्रांजैक्शंस विल रिमेन सेम। इसी तरह अगर हम बी की कैपिटल को यहाँ से हटा दें, क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी दिखा चुके हैं, अब इसका नाम हो जाता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ए एंड करंट अकाउंट बी, नेचुरली इनके बैलेंसेस में भी फर्क आ जाएगा। इसका बैलेंस आ गया 12,300। अब हम इसको यहाँ पे भी अमेंड कर देते हैं, 12,300 और बैलेंस रहेगा 6,000 रुपीज़। इसी तरह हम दोबारा से बैलेंसिंग निकालते हैं बी के करंट अकाउंट की, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ ये बैलेंस सीडी भी चेंज हो जाएगा, 13,500, 13,500 और इसमें से अगर हम 10,500 माइनस कर देते हैं तो 3,000। तो ये था डिफरेंस स्टूडेंट दोनों फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ से एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड्स में कैपिटल अमाउंट ऑफ पार्टनर्स विल रिमेन अनचेंज्ड और अनअल्टर्ड, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड्स में कैपिटल अमाउंट जो है वो एवरी ईयर इट विल फ्लक्चुएट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बहुत अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इन केस अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका नेक्स्ट वीडियोस में आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, हमारे साथ बने रहिए, हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अच्छे से समझेंगे और उसका कैलकुलेशंस कैसे करते हैं इसको इलस्ट्रेशंस के साथ समझेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।